चलिए अब चर्चा करते हैं सहकारिता विभाग की बैठक में क्या कुछ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। तो इस बैठक में सीएम शिवराज ने कहा है कि सोसाइटियों को ठीक करें, मुझे ठोस कार्य योजना चाहिए, योजना पर अमल चाहिए और परिणाम चाहिए। गोदाम बन रहे हैं, उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। काम गुणवत्तापूर्ण हो और उपयोग बेहतर हो, योग्य और ईमानदार लोगों की भर्तियां हो, सहकारी नीति के बनाने की प्रक्रिया तेज हो, सहकारी समिति बनाने के क्षेत्र में काम बहुत कम हुआ है, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। आगे कहा कि कई क्षेत्र हैं जिसमें सहकारिता विभाग काम कर सकता है, अगली बार जब बैठेंगे तो रोड मैप बनाकर लाएं, समस्याओं का अध्ययन करके दीर्घकालिक नीति बनाएं जिसमें मेहनत करने वालों की कमाई भूमाफिया ना खा पाए, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अच्छे से सहकारी समिति बनाए। तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि 5 दिन में 52 बैठक होनी थी, उसी कड़ी में आज कई महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसकी जानकारी हमने लगातार आपको दी।